वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जो कानून की आवाज में, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि मेरे जो कमेंट्स बॉक्स में है, तो मेरे व्यूअर्स से वो पूछते हैं कि अगर पुलिस बिना वजह हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो हम क्या उसे पीट सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन है उसे जरूर दबा ले, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बात करते हैं बिना वजह अगर कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल या कोई भी लोक सेवक अगर आपके साथ मारपीट करते हैं तो आप क्या एक्शन ले सकते हो, क्या कर सकते हो। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पे होते हुए आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रकार कोई भी पुलिस अधिकारी अगर ड्यूटी पे है तो वह ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा और न ही आपके साथ मारपीट करेगा। लेकिन अगर आप उनको उकसाते हो, पुलिस अधिकारी को या पुलिस कांस्टेबल को, अगर कोई पुलिस अधिकारी जाता है, पुलिस अधिकारी अगर वो चेकिंग के दौरान आपको या आपकी गाड़ी को रुकवाते हैं तो आपके कागजात देख सकते हैं। अगर आपके कागजात नहीं है तो वो चालान भी कर सकता है। लेकिन आप उसके दौरान पुलिस के साथ बदतमीजी करते हो या गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो पुलिस आपको पीट सकती है। लेकिन कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल या कोई भी लोक सेवक बिना गलती आपसे मारपीट नहीं कर सकते। अगर मारपीट करते हैं तो आप भी अपने अधिकार हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज दिन मैंने कोई भी इस प्रकार का पुलिस कांस्टेबल या कोई अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी पे है तो वह इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। अगर व्यवहार करता है तो उसे उसकी सजा मिलती है। इसलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि बिना वजह अगर पुलिस अधिकारी खड़ा है, आपसे दुर्व्यवहार करता है, आपके मारपीट करता है, जिस प्रकार आपके आंखों में जैसे आंख फोड़ देती है, फोड़ देते हैं, या आंख पैर को फ्रैक्चर या हाथ को फ्रैक्चर कर दे, या आपके कान पे ऐसी दे जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपके अधिकार है। आप 166 IPC के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं उसी थाने में, या पुलिस अधीक्षक या उनसे जो उच्च अधिकारी उनके खिलाफ आप रिपोर्ट लेके जा सकते हैं कि मैं मेरे रास्ते जा रहा था, मैंने कोई गलती नहीं की। ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी होगी, आपको एविडेंस भी साथ ले जानी होगी। अगर आपके साथ ऐसा कोई अधिकारी पुलिस हो या किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो तो आप के साथ ऐसा करता है तो आप 166 IPC के तहत उनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं उनके दुर्व्यवहार को देखते हुए। अगर दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी गलती नहीं होती है तो, अगर आपकी गलती होती है, आप उनको उकसाते हो तो आप लोग उनकी ड्यूटी के दौरान, लोक सेवक हैं वो, ड्यूटी के दौरान अगर आप उनके साथ कुछ मारपीट कर देते हो या कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो या गाली गलौज कर देते हो तो आपको 332-353 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है पुलिस कांस्टेबल और कोई भी अधिकारी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो। लेकिन आप अगर आपके व्यवहार से सही रहोगे, अगर पुलिस वाले आपके साथ, अधिकारी आपके साथ मारपीट भी कर रहा है तो आप मार खाइए, अगर मारपीट कर रहा है तो आप उनको सहन करें, ऐसा करता है तो आप उनके खिलाफ उच्च अधिकारी के पास उनकी शिकायत कर सकते हैं। ये आपके पावर्स होते हैं। 100 IPC के तहत आप थाने में जाके उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल हो या पुलिस अधिकारी क्यों हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट का अधिकारी क्यों हो, अगर थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो आप वकील के माध्यम से कोर्ट से भी शिकायत दर्ज करा सकते हो, क्योंकि उनको भी नौकरी प्यारी है। और अगर इस प्रकार की सारी, आपके पास भी पावर है और उनके पास भी पावर है, सबके पास अपने अपने कानूनी अधिकार है दोस्तों। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हो। नंबर 2, अगर पुलिस
या किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा आपके साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हैं, जिस प्रकार आपको प्रतिकारित होती है, आपके साथ आपके हाथ फ्रैक्चर कर देते हैं, आपकी आंख फोड़ देते हैं, या आपके इतनी प्रकार की जिससे आपकी जान भी चली जाती है, आपके इस प्रकार की अगर आपके साथ हरकत हो जाती है तो आप अपनी जान बचाने के लिए उनके खिलाफ, उनके साथ भी आप इस प्रकार की मारपीट कर सकते हैं। ये भी आपके अधिकार है। ये आपके 99 से 100 आईपीसी में ये लिखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए मारपीट करेगा, ये संभव ही बात है। मान लो अगर कोई भी अधिकारी आपके साथ मारपीट कर रहा है जिससे आपकी जान ही चली जाए ऐसा लगता है, तो आप उसके साथ भी मारपीट कर सकते हो। ये अपने भी अधिकार होते कि अपनी जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ कुछ नहीं होता और आप उन लोक सेवकों के खिलाफ मारपीट करते हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति रास्ते चलते आपके साथ मारपीट करता है तो आप उनके खिलाफ, या पुलिस कॉन्स्टेबल हो या कोई अधिकारी हो, उनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। अगर वह उसके बावजूद नहीं माने तो आप उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें।